Assalamu alaikum and Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak. 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 So, chal 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 jaldi now. It's Eid, you want to get dressed. Anzila? All the dress is ready. This is Azlan ka kapda. This is Anzila ka dress. Eid Mubarak! Jaldi se get up and take part, everyone. Come on. Hey, daat kyun kaat raha hai? Come on. Breaking move. Jaldi jaldi chalo, hum ja rahe hain fir. Ah, acha to face de lenge. Subah se dress de. Chalo chalo chalo, dadi amma ko salam karo. Azul. Dadi amma is calling you. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to everyone. Aur बकरीद हैज बिगन, द पार्टी हैज बिगन. और बस अभी इट इज़ लाइक 10:30, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू द होल डे व्लॉग, सो स्टे विथ मी. और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने ईद में लिया था, तो ईद में मैंने नहीं पहना था तो मैंने बकरीद में निकाल दिया है. यू कैन सी दिस, ये है लॉन, कॉटन लॉन, इंडियन कॉटन लॉन. बिल्कुल कंफर्टेबल है. अभी जितनी गर्मी है बहुत ज्यादा है. प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो व्लॉग विद किड्स. चलो फोन मिलेगा. और अंजला है यहाँ पे एंड अंजला के डैडी वहाँ पे हैं एंड यू कैन सी अज़लान इज आल्सो हियर. माज इज हियर. और आज माज आप लोगों को बकरीद के दिन यू नो एक अच्छा सॉन्ग सुनाएगा, गिटार बजा के. बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो ये आपको सुनाएगा गिटार बजा के. और मैं मिलवाती हूँ बाकी लोगों से आपको. सो यू नो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे आज जो लग रहा है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड एज आई से, मेरी चूड़ी जो कि है वेलवेट मैचिंग हो गई है. तो बकरीद के दिन मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा जो छोला था वो मैंने डाला था और बहुत ही एहतियात से बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो. दिन भर तो नॉनवेज ही खाना रहता है. और खैर इसके अलावा जो है नॉनवेज एंड दही बड़ा वगैरह नहीं बनाया क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी 2-3 हफ्ते से बिल्कुल ठीक नहीं थी. बस समझिए कि बकरीद के दिन थोड़ा बेटर हो गया था तबीयत, तो बहुत ही यम्मी बना था. आप देख सकते हैं बिल्कुल चाट टाइप मैंने इसे बनाया था, बस इसमें समोसे की ही कमी थी. जहाँ पे थी ट्रेनिंग सेंटर फैलाने के लिए आ गई है, यहाँ पे ऐसे मास्क नहीं उतार सो अभी कोरोना का सिनेरियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं. सो क्या कहते हैं, इसीलिए मास्क लगा के खा रही है.
सो अभी इसी से स्टार्टिंग हुआ है, फिर और बाकी क्या खाते हैं मम्मी के अम्मी के फिर क्या खाते हैं आपको ज़रूर बताते हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता हो गया है, अभी बन रहा है चाय, तो चाय बनाती हूँ और फिर चलते हैं अम्मी से बोल रहे हैं, क्योंकि कितना भी नाश्ता लेते चाय पे कॉफी चाय पिए बिना तो कुछ नहीं होता। अंजला अजलान दादा को सलाम किए तुम लोग, आइए दादा बैठिए चेयर पे। एंड हु इज दिस, शो योर ड्रेस। सो दिस इज ब्यूटीफुल अंजला, अंजला अपना फेस दिखाओ। माशाल्लाह दादा को सलाम की हो। And Azu, show you Azu, turn back, Dada ke saath. So guys, the kaleji is here. अभी इन द मेकिंग है और यहाँ पे क्या क्या डाले अम्मी जब तक जो चल रहा है। तेजपत्ता, गरम मसाला, तेज डाले, तेजपत्ता डाले, फिर प्याज डाले और यहाँ पे अभी फ्राई हुआ है कलेजी तवा पे, है ना। और यहाँ पे है, सो गाइस अगेन माज इज हियर, तो माज का पूरा फूल मिल रहा है। यहाँ पे है अम्मा, अम्मा इधर देखिए, ये है अजलान अंजला की परदादी अम्मा और मेरी दादी अम्मा। अम्मा ईद मुबारक बोल दीजिए। तो अजू बोल दिया, इधर देखो। एंड नानी इज ऑल बिजी इन द किचन, सुनी नहीं ना। यही होता है बकरीद के दिन, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। और यहाँ पर है, यहाँ पे कलेजी चढ़ चुका है और यहाँ पे नान तो अभी बनता है, तो हम लोग खाते हैं नान। ये जो सूट है वो रेडीमेड है और 1700 में मैंने लिया था, ईद में मैंने लिया था सवा कलेक्शन से जो की है सब्जी बाग में, तो उनका जो नंबर वगैरह है मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत वैरायटीज है पाकिस्तानी सूट की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मुझे बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल लगा और इसका कलर डिजाइन बहुत अच्छा। खसी कहाँ गया, खसी कट गया, सो कलेजी इन द मेकिंग। पक्के आए क्या, नान भी कट गया है, अब बस नाश्ता नहीं कर। और अभी 11:30 बज रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो मास कैसा बना है कलेजी, हाउ इज इट? सो टेस्टी, सो टेस्टी। आ नहीं जा रहा है। सो दिस इज अ कलेजी, आप भी खाइए कलेजी, वो भी एंजॉय कर। नहीं है, हाउ इज इट? गाइज अभी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है और बस अभी हम लोग जितने लेडीज लोग हैं वो हैं, तो ऐसे ही होता है, पहले जेंट्स लोग खा लेते हैं फिर लेडीज लोग, तो सभी साथ में बैठ के खाते हैं, तो अभी हम लोग सब कोई खाएंगे।
तो आप मैं ईद मुबारक कह दीजिए। ईद मुबारक। कलेजी पकाई है और बहुत यम्मी कलेजी है, पता नहीं टेस्टी है क्या है, खाने के बाद क्या है। चलिए तो खाते हैं जल्दी से, बहुत जोर से भूख लग गया है क्योंकि 12 भी बज गए हैं ना, बहुत लेट हो गया है। आइए आप लोग भी नाश्ता। हाय गाइस, अभी हम लोग शाम के टाइम, इनफैक्ट रात हो रहा है, 8 बजे के करीब हो रहा है, और अभी वी ऑल आर गोइंग छोटी फूफीज हाउस। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेजिटेरियन मीट चल रहा है। अभी वेजिटेरियन चल रहा है। नेक्स्ट स्लॉट में आपका नॉन वेजिटेरियन स्लॉट है। 1 चम्मच कौन है? उल्टा है। यहाँ पे है कौन? आजान क्या हो गया तुमको? अजान आती है। कौन है, क्या हो गया? तो अंजिला का खाना फिनिश नहीं हो पाया है, यू कैन सी, जो कि कभी फिनिश नहीं होता है अंजिला का खाना। सो गाइस, दिस इज द फेमस चाप। तो जी, ये जो चाप है ना, ये ही मेन डेलिकेसी रहती है जो फर्स्ट डे जो बकरीद में, मतलब मन भर के, जी भर के जो हम लोग खाते हैं ना, और जो अभी बनाया हुआ जो चाप रहता है ना मटन का बकरीद के टाइम का, उसका टेस्ट तो इतना लाजवाब रहता है, मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब इसका मैं रेसिपी आपको, मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा ईजी है, खाने में जितना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वो बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। और जी, बहुत सारे आइटम्स थे, खैर बकरीद के बाद तो काफ़ी सारे नॉनवेज के ही आइटम्स चलते हैं, तो फर्स्ट डे तो बेसिक ये हो गया, और फिर बिरयानी हुई, मटन की, बहुत सारी चीज़ें थी, और सीख कबाब वगैरह, बारबेक्यूज़ वगैरह, तो फिर खैर बाकी दोनों दिन चलती रहती हैं। तो ऐसे ही गुजरता है जी हमारा बकरीद, और बस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का जो है ना वो पुलाव बना था, बहुत ही टेस्टी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो और आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।